हर घर के किचन में मेथी मौजूद होती है। इसकी खास बात यह है कि इसके पौधे से लेकर बीज तक का इस्तेमाल औषधि के साथ साथ खाने का स्वाद बढ़ाने के काम में आता है। मेथी का सेवन महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आयुर्वेद में मेथी को औषधि माना गया है और इसका उपयोग करके बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। तो चलिए जानते हैं महिलाओं को मेथी का सेवन क्यों करना चाहिए। आज के समय में बहुत सारी महिलाओं में स्तनों का आकार कम होता है। ऐसे में अगर आप भी अपने स्तनों के आकार से संतुष्ट नहीं हैं तो आपको मेथी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम सीधा हार्मोन्स पे होता है। मेथी के अंदर फाइटो एस्ट्रोजन पाया जाता है जो महिलाओं की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ाता है, जिससे स्तनों की कोशिकाओं का विभाजन और विकास हो जाता है और स्तनों का आकार बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके लिए मेथी के पाउडर में थोड़ा सा पानी मिलाकर इसकी पेस्ट बनानी है और इस बनी हुई पेस्ट को अपने स्तनों पे दिन में दो बार लगाकर हल्के हाथों से मसाज करनी है। कम से कम 10 या 15 मिनट इसे रहने देना है, बाद में पानी से धो लेना है और मेथी दानों को नियमित रूप से आहार में शामिल करना है। कुछ ही दिनों में इसका असर दिखना चालू हो जाएगा। हर किसी औरत का ख्वाब होता है कि वह सबसे खूबसूरत और आकर्षक दिखे, लेकिन मोटापा इन सारे सपनों पे पानी फेर देता है। तो चलिए जानते हैं कि मोटापा कम करने में मेथी कैसे फायदेमंद है। मेथी के बीज में सोल्यूबल फाइबर पाया जाता है। यह पाचन के लिए अच्छा होता है और इससे लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है और भूख कम लगती है। इससे आपका वजन कम होके कई सारी बीमारियों से छुटकारा मिलने में मदद होती है। बॉडी में कोलेस्टेरॉल का लेवल बढ़ने से कई समस्याएं होती है। मेथी के सेवन से बॉडी में कोलेस्टेरॉल का लेवल कम होने में मदद मिलती है। मेथी के अंदर पाए जाने वाले फ्लेवोनॉइड्स ब्लड में लिपिड के स्तर को कम करने का काम करते हैं, जिससे हाई कोलेस्टेरॉल कम होने में सहायता मिलती है। बढ़ती उम्र के साथ साथ महिलाओं में जोड़ों का दर्द चालू हो जाता है, क्योंकि ऐसा हड्डियों को सही पोषण नहीं मिलने से होता है। इससे निपटने के लिए मेथी का सेवन रामबाण नुस्खा है। मेथी में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जिससे जोड़ों की सूजन कम हो जाती है और दर्द से राहत मिल जाती है। मेथी में आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इससे हड्डियों को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और हड्डियां मजबूत होकर हड्डियों का दर्द कम होने में मदद मिलती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ महिलाओं में पीरियड्स का आना बंद हो जाता है, जिससे शरीर में हॉर्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। इससे शरीर में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं चालू हो जाती है। मेथी के सेवन से हार्मोनल बदलाव के कारण होने वाली समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि इसका सेवन करने से शरीर में हार्मोन्स को संतुलित करने में मदद मिलती है। आजकल बहुत सारी महिलाओं में मासिक धर्म संबंधित बहुत सारी परेशानियां हो रही है, जिसमें समय पर पीरियड्स नहीं आना, पीरियड्स के दौरान पेट में तेज दर्द होना, ऐसी स्थिति में मेथी का सेवन महिलाओं में वरदान साबित होता है। मेथी के दानों में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी स्पास्मोडिक और एनाल्जेसिक गुण पाए जाते हैं, जिससे मासिक धर्म में होने वाली हर तरह की पीड़ा को कम करने में सहायता मिलती है। इसी तरह से मेथी के दाने शरीर में हॉर्मोन्स की मात्रा को संतुलित करने का काम करते हैं, जिससे पीरियड्स को रेगुलर करने में सहायता मिलती है। महिलाओं में खून की कमी को अक्सर देखा जाता है। खून की कमी का सबसे बड़ा कारण शरीर में आयरन की कमतरता होता है। इससे सांस फूलना, थकान होना, कमजोरी आना और चक्कर आने जैसी समस्याएं आती है। मेथी के दानों में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है, जिसके सेवन से शरीर में खून बढ़ने लगता है। नवजात शिशु के लिए माँ का दूध ही सबसे बड़ा आहार होता है और पहले 6 महीने तक शिशु को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाते हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाओं में हॉर्मोन्स के असंतुलन के कारण पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं बन पाता है, जिससे शिशु की ग्रोथ होने में रुकावट पैदा हो जाती है और शिशु का वजन कम रहता है। इस स्थिति में मेथी दाने का सेवन करना फायदेमंद होता है, क्योंकि मेथी के अंदर गैलेक्टोगोक पाया जाता है। गैलेक्टोगोक महिलाओं के शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन को बढ़ाता है, जो दूध के उत्पादन के लिए जिम्मेदार हार्मोन होता है। यही वजह है कि प्रसूति के बाद महिलाओं को मेथी के दाने के बने लड्डू खिलाए जाते हैं। इससे दूध का उत्पादन बढ़ जाता है और शिशु को पर्याप्त मात्रा में दूध मिलके ग्रोथ अच्छी तरह से हो जाती है। अभी हम जानेंगे कि मेथी के बीज का सेवन कैसे और कब करना चाहिए। मेथी दाने का सेवन सुबह खाली पेट करना चाहिए, जिससे शरीर में मौजूद टॉक्सिक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। इसका सेवन करने के लिए 1 या 1.5 चम्मच मेथी के दानों को रात में 1 ग्लास पानी में भिगोकर रखना है और सुबह इस पानी को छानकर पी लेना है। छाने हुए मेथी के दानों को बाद में आप चबाकर खा भी सकते हैं। आजकल बाजारों में मेथी के बीज का चूर्ण भी मिलता है। आप आयुर्वेदिक चिकित्सक के परामर्श से इसका सेवन कर सकते हैं, या बाजार से आप साबुत मेथी को
खरीद कर घर पर ही पीस कर चूर्ण बना सकते हैं। इस बने हुए चूर्ण को आप हल्के गर्म दूध में मिलाकर पी सकते हैं। इसका सेवन आप 21 दिन से लेकर 3 महीने तक कर सकते हैं, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ बीमारियों से लड़ने में मदद मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं इसी तरह से आपको हेल्दी लाइफ जीने के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की जानकारी लाता रहूंगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद।